फ्रेंड्स, मैं प्रीति, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अल्पना साई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बेसन की टिक्की। ये बहुत ही झटपट बन जाने वाला नाश्ता है और इसे आप कभी भी बना सकते हैं और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू बेसन की टिक्की बनाना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आलू बेसन टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिया है, बेसन लिया है, प्याज लिया है, हींग, मिर्च, अदरक और कुछ मसाले हैं जिनमें कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक टेस्ट के अनुसार, जीरा, बेकिंग पाउडर, हल्दी और ऑयल जो है वो उसको बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू बेसन टिक्की बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें मैं ये जो बॉइल्ड पोटैटो हैं उनको डाल के अच्छे से मैश कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पोटैटो को अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें अभी बेसन मिला दूँगी, मिर्च, हींग, अदरक, प्याज, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो मसाले हैं इनको भी इसमें डाल देंगे, गरम मसाला, नमक टेस्ट के अनुसार, जीरा, बेकिंग पाउडर, कस्तूरी मेथी, हल्दी और लाल मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक अच्छा सा इसको लगा के अच्छे से, जो बेसन हम पाउडर के रूप में दिख रहा है वो नहीं दिखना चाहिए, वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब क्या कहते हैं, अब इसको हम टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और जिस प्लेट में हम इस टिक्की को बना के रखेंगे उस पर भी थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा देंगे। टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से लीजिए और इसे टिक्की का शेप देंगे। ऐसे मैं सारे जो हैं इनको बना लूँगी। मैंने सारी टिक्की जो है वो बना ली है और मैंने यहाँ पे तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और ये गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी थोड़ा सा और उसको अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी फिर उसमें, और जो ये टिक्की है उसको मैं इस पर इस तरह से रख दूँगी। एक बार में जितना आए उतना ही डालिए, इसमें फोर में डाल रही हूँ और इसको इस तरह से होने दूंगी। जब ये एक तरफ से अच्छे से हो जाएगा तब मैं इसको दूसरी तरफ पलटूंगी। ये देखिए एक तरफ से अच्छे से टिक्की जो है गोल्डन हो गई है। अब इसको मैं इस तरह से करके दूसरी तरफ भी इसी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। इस तरह से सारे जो है उनको पलट लेंगे। और दोनों तरफ से आपको इसी तरह से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने देना है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा जो टिक्की है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको जो है इस प्लेट पे निकाल लेती हूँ और इसी तरह से जो बची हुई टिक्की हैं उनको भी मैं
फ्राई कर लूँगी। आलू बेसन टिक्की सब करने के लिए रेडी। आप इसे गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही टेस्टी आता है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और फटाफट बन जाने वाली रेसिपी, और आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।